हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं अपने पूरे चैलेंज के लिए। मुझे लग रहा है कि गलती से कहीं हमारा खून ना निकला है, तो ये ऑरेंज मत समझना है। ओह कैंडी, हमारे सेवादार हमारे लिए खाना पेश किया जाए। आज हम लालम लाल बने हुए हैं और आज के दिन के लिए इसका नाम है लल्लू। ओके जी, नो लल्लू, लालू। ओके, ओके, इसका नाम है गोलमाल। भाई किसी का नाम कुछ नहीं है, सबका नाम वही है। ये YouTube शॉर्ट्स भी हमारे साथ आराम कर रहा है, तो गाइस वो भी रेड है। आज हम करने वाले हैं, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ईटिंग रेड कलर फूड फॉर 24 आवर्स। गाइस तैयारियां होने जा रही हैं, अभी तैयारियां पूरी तो नहीं हुई। अरे भाई आज तो हमने कहा सुबह से ही शुरू हो जाओ, आज हम नाइट सूट्स में ही शुरू हो गए हैं। गाइस हमने कहा लाल, तो फिर लो जी, फिर आज हम ये लाल वाला चैलेंज सुबह से लेकर रात तक आपके साथ ही करने वाले हैं। आपको पूरे दिखाएंगे कि हम क्या क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, अभी हमने क्या प्लान किया है। फटाफट तैयार होके मार्केट जाएंगे, पहले पूरे दिन की तैयारी करेंगे, सामान खरीद के लाएंगे आपके साथ, और फिर बनाएंगे और खाएंगे। पहले ब्रश व्रश कर लो भाई, थोड़ा सा ब्रश व्रश कर लो। गाइस मैं तो भूल ही गई, हमारे पास रेड पेस्ट भी है। वाओ, पेस्ट है? हाँ, रेड पेस्ट है। तो गाइस फिर पेस्ट भी रेड ही यूज होगा, हर चीज रेड यूज होगी। एक दिक्कत है, क्या? ब्रश सिर्फ अनन्या के पास रेड। हाँ चलो, कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है यार, जिसके पास नहीं है वो उंगली यूज कर सकता है। सही पकड़े हैं। रेड कलर लगा लो, हमने क्या करना है ना, बहुत मजा आने वाला है यार। रेड हो जाएगी, ये भी गुड आइडिया है। हाँ बेटा, किसको लाल होना है, ये काम तो मैं ही करूंगी, किसको लाल होना है, जल्दी। गाइस यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। चलो भैया ब्रश से शुरुआत करो। तो गाइस फाइनली हम सब रेडी हो गए हैं रेड रेड के अंदर। हाँ जी, रेड 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 डर्टी फेलो, क्या बोला तूने? रेड तो पता नहीं यार, जो भी हमने बोल दिया। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं अपने पूरे चैलेंज के लिए, और पूरा रेड रेड सारा सामान इकट्ठा करने वाले हैं। इन्होंने रेड बास्केट्स ले लिए ऑलरेडी, रेड बास्केट से हमारी रेड शॉपिंग शुरू हो चुकी है, तो अब बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी हम लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या खाने वाले हैं, क्या कहती है? मेरे को तो ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक आज का दिन बड़ा अच्छा निकलने वाला है, लेट्स डू इट। आई थिंक हमारा काम बन जाएगा, यहाँ पे हमें काफी रेड रेड चीजें दिख रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये चेरीज है? नहीं, ये दीज आर ग्रेप्स। ये एप्पल है, ये बेल पेपर है, और ये स्ट्रॉबेरी है। करो पैक, करो चिलीज पापा, चिलीज टू थिंग, अभी वन थिंग रह गई है, कैनमेरी चिलीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो 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 गाइस, हम लोग अपना सामान ले आए हैं और अब तैयारी है ब्रेकफास्ट की हमारी, तो बहुत भूख लगी है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ही भूख लगी यार, क्योंकि इतनी लेट हो गई है यार, मतलब ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच का ही टाइम हो गया है। नहीं नहीं, अभी ऐसा करो फ्रूट्स खा लो और फिर लंच में कुछ अच्छा सा हैवी बना लेंगे। गाइज मेरा फ्रूट प्लेटर बिल्कुल रेडी है, ये बहुत जोर से इनको भूख लगी है, आवाजें आ रही है। चलो चलो चलो, यार रेड रेड पूरा आज तो भाई साहब, मुझे लग रहा है कि गलती से कहीं हमारा खून ना निकला है। किसी ने ज्यादा चू छांकी ना, शायद वो ही हो जाए। खाओ ही खाओ, खाओ गुड़ खाओ। फ्रेश ब्रेकफास्ट किया, मुझे लगता है चैलेंज करने का ना बड़ा अच्छा एक फायदा भी है,
यू नो एक थोड़ा लाइफ में ना कुछ स्पार्क आ जाता है। अब जैसे आज सब कुछ रेड 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 कटलरी रेड सारे बर्तन निकल के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा चीजें निकल रही हैं। नहीं तो लॉकडाउन में तो बस अंदर ही इस्तेमाल ही नहीं कभी अंदर इसका तो समझ नहीं आता। खैर चलो एनीवेज मजा आ रहा है, मुद्दा ये है। और अब मजे का एक लेवल अप करने के लिए ब्रेकफास्ट सबका टाइट हो गया, अब हम लगाने लगे हैं रेस। ओके वो रेस क्या होगी कैसे होगी और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, चलो आओ। Just then. Guys, ये देखो प्रैक्टिस शुरू हो गई है, हम ये चीटिंग कर रहे हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, ये अपना चम्मच लेके शुरू हो गई है। देखो गाइज हम कर रहे हैं स्पून लेमन स्पून रेस। ओके सिंपल सिंपल रूल है, इस लाइन से हम पांचों के पांचों शुरू होंगे, उधर सोफे तक जाएंगे और वापस आके जिसने दीवार को पहले हाथ लगाया वो विनर होगा। स्पून ऐसे रखना है, चम्मच यहाँ रखना है और भागना है। तो लेट अस गेट गाइस, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये देखो ये प्रैक्टिस कर रही है और ये चीटिंग कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा इस गेम को जीतने का बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि पापा ने इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने मेरे सर्टिफिकेट देखे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मेरे को वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला था और एक मेडल भी मिला था। सर्टिफिकेट के क्या बढ़िया था गुरु। चलो भैया अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप मेरे सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट देखना चाहते हो, कमेंट करके बताओ। अभी ये वाली चैंपियनशिप शुरू करते हैं। चम्मच यहाँ मैंने सेट कर दिया है, सब कोई चीटिंग नहीं है, लाइन से पीछे शनाया पीछे ओके गाइस ये ऐसे देखो 1 2 3 पे स्टार्ट करना। नहीं गाइस मेरा हो गया, मैं फोन दूं आप कमेंट करके बताना, सेकंड आप कमेंट करके बताना गाइस ये वाली गेम कौन जीता है। थैंक यू मैं पहुंच रही थी, थैंक यू। ये कहां से ये नकली इसके शुरू में ही गिर गया, ऐसे पकड़ के भागी है। आप कमेंट करके बताना कि आपको विनर कौन है गाइस, आपने बताना है। ध्यान से देखना, दो बारी देखना, तीन बारी देखना और कमेंट करके बताना। और अब जरा बातें मत कर, हार गई है जाके लंच तैयार कर, हमें भूख लगी है। मैं बहुत उदास हो गई हूँ इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाओ। बनाना पड़ेगा, मैं उदास हो गई हूँ। इतनी हम शॉपिंग करके आए, इतना पैसा लग गया, अब लंच नहीं खाएंगे हम क्या। गाइस मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मल्टीग्रेन डोसा मगर रेड कलर का, जिसके लिए मैं डालूंगी ये कलरिंग एंड विद रेड चटनी ऑफ कोर्स। मैंने इसमें कलर तो टोमेटो रेड डाला है, ये रंग आया है, अब इसको आप डार्क पिंक बोलो रेड बोलो, मेरे लिए तो यही रेड है, इनको यही खिला रही हूँ मैं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से टोमेटो रेड ही डाला है। वो वाव इधर टोमेटो रेड बन गया। हमारे मिनी मिनी डोसा तैयार है गाइस, आओ चलें देखें कौन कौन भूखा है यहाँ पर। गाइस इतनी भूख लगी है, कौन कौन भूखा है आओ। कोक सिर्फ पापा के लिए, बच्चों के लिए क्रैनबेरी जूस है। ओके पापा ओनली कोक जूस, सुनायला तेरा जूस डाल दूं। गाइस ये ऑरेंज है लेकिन ये रेड है जूस, अंदर से क्रैनबेरी रेड है, अंदर से आप देख सकते हो गाइस ये रेड जूस है, तो ये ऑरेंज मत समझना है। Let the fun begin. मैं इसमें खाने वाली हूँ। This is the sambar. No, this is the chutney. Chutney वो। I also want one bite. Nice. और दो एक बना हुआ है वो भी ले आओ। मेरे लिए भी ले आओ। मेहनत कर रही हूँ मेरे हाथ, मैंने सुना था हाथ पीले होते, मेरे तो लाल हो रहे हैं यार, क्या करूँ। रेड जेलिंग में रेडी होंगे और ग्रीन थोड़ी हो जाएंगे। देख रहे हो
और इसको जाने में भी पता है 2-3 दिन लग जाएंगे। हो गया काम मेरा। गाइस रात की तैयारी शुरू हो गई है। मैं बना रही हूँ बीट रूट टिक्की, बॉइल्ड पोटेटोज विद बीट रूट। इससे आएगा रेड कलर और फिर आएगा असली मजा। मम्मा भूख लग रही है, सच्ची में भूख लग रही है। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी मैं आपको मैजिक के लिए कुछ देती हूँ, चलो। नहीं नहीं, भूख लग रही है, अभी हमने लंच किया है। लंच का हमें गाइस मुश्किल से आधा पौना घंटा हुआ है। लंच काफी कम खाया था। I don't have milk, I don't have sugar, I don't have carbs, I love a... Guys, जो इनको ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, वो red red खाते हुए इन्होंने पूरा ठीक से नहीं खाया है। पर चलो कोई बात नहीं, इतना माड़ा भी नहीं था यार। हाँ, इतना बुरा भी बहुत अच्छा था, बस हल्का फ्लेवर भी नहीं आया था भाई, डोसा ही था। ये वैसे ही इतनी कंफ्यूज घूम रही है क्योंकि इसको लग रहा है कि यार रेड बनाना है, रेड बनाना है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है डिनर की। यार टाइम लगता है, बताओ। मैंने कहा अभी फ्री हूँ, फटाफट कर लूँ। चलो ऐसे करती, पहले मैं इनको कुछ खिला दूँ, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। सही पकड़े हैं गैस, पर मम्मा के हाथ सारे रेड रेड हो गए हैं। ओह नो, मेरी रेड रेड हो गए। तो मैं ऐसा करो कि आप अपना फेस ऐसे कर लो, सो दैट वो आप रेड कलर के हो जाए। टन टन, क्या हुआ? टन रेड कलर, रेड रेड रेड, क्या बात है। पार्टी कराई और ये भाई साहब ये भी रेड है, इसके अंदर भी वाटरमेलन फ्लेवर है गाइस, माइंड यू वाटरमेलन फ्लेवर, क्या बात है। ये इसके अंदर ये क्या है, रेड योगर्ट। आई लाइक इट। खाओ भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम लोग खा लो, मेरे को नहीं खाना। गाइस बच्चों से ज्यादा मैं खाती हूँ ये। अरे लॉलीपॉप का पर्सनली, ओह सॉरी, मुझे ये फ्लेवर ना सबसे अच्छा लगता है, वाटरमेलन। आई रियली लाइक इट। कितनी देर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नींबू, नींबू भाई साहब आज जी। अरे वाह भाई साहब, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। फिर देखो मिक्सचर हमारा रेडी है, टिक्कीज हमने अपने हाथ से बना ली है और हेयर दे गो इन इट। ओह वाओ, ये तो काफी सुंदर लग रहा है। थैंक यू पू, थैंक यू पू, रियली द पू, आई लाइक यू। मैंने ना सारी सेटिंग कर दी थी, अब है अनान्या की बारी। मैं अब आ गई हूँ, मैं हूँ, मैं ना थक चुकी हूँ। अच्छा, बस थक नहीं चुकी गाइस, हम सब थक चुके हैं। हमने बोला हमने ये रेड बिस्तरा बिछाया है, हम डाइनिंग टेबल पे डिनर नहीं करेंगे, अपने रेड बिस्तर पे ही डिनर करेंगे। तो हो गया तो ले आ बेटा, हमारे सेवादार, हमारे लिए खाना पेश किया जाए। क्या सेवादार, हमें खाना पेश, हमारे को खाना पेश किया जाए। हमारे लिए ये जबरदस्त पेश हुआ है, प्लेटर रेडी हो चुका है, शाही खाना, कबाब भाई नाकी मैंने सेट किया है और गजरेला साथ में ही आ गया है। वो कह रही है यहीं पर स्वीटिश खाओ और यही सो जाओ। यार ये प्लेटर एक आया है, अभी और प्लेटर आ रहे हैं, आ रहे यार, आ रहे हैं। चलो शुरू करो भाई, सबर करो, अब पहले मैं ही खाऊंगी। टोमेटो क्या अच्छा आपके साथ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वो अभी खा के दिखाएगी, इट्स हेल्दी, ट्राई इट, आई लाइक इट। वो टोमेटो, अब आपने देख लिया है हमारा डिनर क्या है, हमारा ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स सब हो गया है रेड कलर में। आज बहुत मजा आया यार, तो कमेंट करके ये बताना गाइस कि नेक्स्ट कलर कौन सा ट्राई करें हम, तो हम वो वाला कलर का फिर सारा जुगाड़ करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच यार वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को हिट लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए,
पिंक पास्ता विद अ तड़का। बाय किड्स, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1330 फूडी पे। हमारा तड़का देखने के लिए क्लिक 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 क्